सो व्हाट्स अप गेमर्स, क्या हाल है सभी दोस्तों। गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हम कैसे इजीली जॉयस्टिक स्टक की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि आप जिगल देते हैं तो अचानक से आपका प्लेयर एक जगह पे रुक जाता है, या फिर एनिमी पर रश करते हैं तो आपका प्लेयर एकदम से मतलब कि अजीब सी मूवमेंट करने लगता है, तो आप उसको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो को पूरी देखना, मैं एंड में कुछ कमाल की चीज़ आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस यहाँ पर हम ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुके हैं। तो आप में से मतलब काफ़ी लोगों को ये होता होगा ये प्रॉब्लम, जैसे आप मतलब कि राइट साइड जा रहे हो तो अचानक से आप लेफ्ट करते हो तो आपका मतलब प्लेयर एक जगह रुक जाता है, फिर आपको फिर से उंगली हटा के फिर से वहाँ पर लगा के लेफ्ट साइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर लेफ्ट करता हूँ तो देख सकते हो कि मेरा प्लेयर यहाँ पर धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा है। सो गाइस ये तो हो गई प्रॉब्लम की बात, तो आते हैं सोल्यूशन के ऊपर। सो गाइस मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आप इस तरीके से जिगल कैसे कर सकते हैं। तो देख सकते हो कितना बढ़िया से यहाँ पर जिगल हो रहा है मेरा बिना अटके। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा प्लेयर ज़रा सा भी नहीं टक रहा है। सो गाइस बात करते हैं कि आपको इसको करना कैसे है। तो इस यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर चार डोर्स होते हैं जॉयस्टिक की साइड में, 1 2 3 4। तो वैसे आपको क्या करना है, आपको इन दो डोर्स के बीच में से ले जाना है इस तरीके से, यहाँ पर एरो होते हैं ना, तो उस तरीके से आप बीच में से ले जाओगे। देख सकते हैं कितना बढ़िया से यहाँ पर जिगल हो रहा है हमारा। सो गाइस इस तरीके से आप किसी भी एनिमी को इजीली जिगल करके मार सकते हो। अगर कोई पेड़ के पीछे भी होगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा लेफ्ट से आओगे कि राइट से आओगे। तो ऐसे आप जिगल करके एनिमी को किसी को भी कंफ्यूज करके इजीली यहाँ पर मार सकते हो। सो गाइस अगर आप जो स्टिक के ऊपर चढ़ अगर इस तरीके से जिगल करने का ट्राई करोगे तो आपका पेड़ देख सकते हैं यहाँ पर रुक रुक के चलता है, तो यहाँ पर आपकी जिगल बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो गाइस यहाँ पर तो हमने सही से कर लिया था, यहाँ पर देखो अजीब तरीके से हमारा पेड़ यहाँ पर रुक रुक के चल रहा है। तो वैसे आपको मतलब कि क्या करना है, ये बीच में दिख रहा है ना जो स्टिक का, तो यहाँ से आपको इस तरीके से लेफ्ट राइट करना है। ये दो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, इसके बीच में से आपको लेफ्ट राइट करना है। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर जिगल हो रहा है। तो ऐसे बात कर लें कंट्रोल्स की, आपको किस तरीके जो स्टिक का रखना है, तो आपको यहाँ पर जो स्टिक को सबसे छोटा कर लेना है। अगर आपका थंब बड़ा है ना तो आप इसको बड़ा भी रख सकते हो, अगर आपका छोटा है तो आप ज़्यादातर छोटा ही रखना है इसको, तो आपका ईजिली यहाँ पर जिगल होगा यहाँ पर। तो देख सकते हो कितना अच्छी तरीके से यहाँ पर हमारा जिगल हो रहा है, तो यहाँ पर इजीली हम बंदे को यहाँ पर मार भी सकते हैं। सो गाइस बात कर लेते हैं उस स्टिक के बारे में। उस स्टिक को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना है, कंट्रोल्स में जाना है, कस्टमाइज में जाना है। तो आपको यहाँ पर आपका जो स्टिक का बटन होगा ना, तो इसको आपको देख सकते हो छोटा बड़ा हो रहा है, और यहाँ पर ये स्प्रिंट वाली चीज़ है ना, तो यहाँ पर स्प्रिंट पर करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो छोटा बड़ा नहीं होता है यहाँ पर। तो आपको इसको छोटा बड़ा कैसे करना है, तो आपको सिंपली इसको जॉयस्टिक को छोटा बड़ा करना है, तभी आपको स्प्रिंट का दबाना है। देख सकते हैं यहाँ पर ये छोटा बड़ा हो रहा है, इसको आपको सिंपली छोटा कर लेना है। सबसे छोटा करने के बाद में आप उसको सबसे ऊपर ले जाना है, जॉयस्टिक को नीचे कर लेते हैं तो इसको सबसे ऊपर ले जाना है। तो हम जॉयस्टिक को फिर से नीचे करते हैं, तो इसको फिर से ऊपर कर लेना है, फिर इसको जॉयस्टिक को नीचे करना है। तो इसी तरीके से आपको इसको बार बार करते रहना है, तो इसको ऊपर करना है, इसको नीचे करना है। तो देख सकते हैं कैसे यहाँ पर हमारी जॉयस्टिक नीचे की साइड आ चुकी है, तो यहाँ पर हम इसको नीचे कर लेते हैं, तो अब हम सिंपली सेव का बटन दबा लेते हैं। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर कितनी अच्छी तरीके से हमारी मूवमेंट हो रही है। सो गाइस ये ट्रिक मेरे एक फ्रेंड ने बताई थी जिसका नाम है एडी हंटर, तो थैंक यू ब्रो। तो गाइस जब से मैंने ये चीज़ ट्राई की है ना, तो मतलब कि मेरा मतलब मूवमेंट काफ़ी अच्छा हो रहा है यहाँ पर। तो देख सकते हो यहाँ पर मतलब कि आपका थंब अगर नीचे की साइड यूज़ करते हो ना, आपका ईजिली यहाँ पर जिगल होता है। तो इसके बाद आपको एक और चीज़ कर लेनी है, आप ऐसे करते हो ना तो आपका स्प्रिंट पर जा सकता है उंगली, तो आपको सिंपली इसको ऊपर सेट कर लेना है सेट, और यहाँ पर सेव का बटन दबा देना है। तो आप इस तरीके से करोगे तो आपका सिंपली आपको देख सकते हो यहाँ पर मेरा ऊपर सेट और स्प्रिंट पे भी नहीं जा रहा है। तो आपको स्प्रिंट करना है तो आप सिंपली राइट वाले ऑप्शन पे जाके स्प्रिंट कर सकते हो, या पूरा मतलब जो स्टिक को ऊपर ले जाके स्प्रिंट भी कर सकते हो यहाँ पर। तो गाइस आज की वीडियो बस यहीं तक की थी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।